हेलो फ्रेंड्स आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री फ्रेंड्स आज हम लोग बी एच यू एम एस सी के पेपर को डिस्कस करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया था जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट टी जी डॉट डॉट कॉम पर जाकर यह पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच टाइप ऑफ फ्लेम मिनरल इज़ डोमिनेंटली प्रेजेंट इन वर्टी सबसे पहले देखते हैं क्या होता है वर्टी सोल आर अ स्पेसिफिक सॉइल टाइप कैरेक्टराइज बाय डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ स्मेक्टाइट क्ले आंसर इज ऑप्शन नंबर वन स्मेक्टाइट क्ले क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन इज टू वन टाइप क्ले मिनरल देखिए हमने क्ले मिनरल को लेयर सिलिकेट के बेसिस पे हमने उसको तीन टाइप में डिवाइड करा है तीन टाइप में हमने उसको क्लासिफाई किया है फर्स्ट इज वन इज टू वन टाइप सेकेंड इज टू इज टू वन टाइप एंड थर्ड इज टू इज टू वन इज टू वन टाइप वन इज टू वन टाइप के एग्जाम्पल है कायलाइनाइट माइका स्पेक्टाइट एंड हेलोसाइट टू इज टू वन के एग्जाम्पल होते हैं वर्मिक्योलाइट एंड इलाइट एंड टू इज टू वन इज टू वन की एग्जाम्पल है, है क्लोराइड ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन इज टू वन टाइप क्लेमिनरल तो इसका आंसर जाएगा कायोलाइनाइट ऑप्शन नंबर टू ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द एजेंशियल क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट वॉज गिवन बाय इट वॉज गिवन बाय अर्न एंड स्टाउट इन्होंने सेवेंटीन एजेंशियल न्यूट्रेंट के बारे में बताया था इन्होंने इसमें नौ माइक्रो है और आठ माइक्रो है नौ माइक्रो न्यूट्रेंट है कार्बन हाइड्रोजन oxygen nitrogen phosphorus potassium calcium magnesium and sulfur eight micronutrients are iron cobalt molybdenum zinc manganese boron chloride and nickel now question number 44 luxury consumption is observed in which of the following nutrient देखते क्या होता है लग्जरी कंजप्शन ऑर्ग सॉइल न्यूट्रिय लेवल आर अबव ऑप्टीम एंड प्लान टेकअप मोर ऑफ अ अंट देन नीडेड फॉर फंक्शनिंग एंड प्रोडक्शन पोटेशियम इज कॉमनली टेक्स अप इन एक्सेस आंसर इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज पोटेशियम क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्गल एलगस ऑफ एल्जोला रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे एना बना में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप द एल्गा प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द फन एंड द फन प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर एल्गा तो एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है एनाबेने तक अभी अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, हमारे इस पेपर में थोड़ी सी जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है क्वेश्चन जो है थोड़े से अल्टरनेट uh, हो चुके हैं तो हम इस इस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इज भिंडी येलो वेन क्लियरिंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज बेमिसिया तबैकी अब देखते हैं क्या होता है Bhindi yellow vein mosaic virus is a viral disease caused by monopartite begom begomovirus affecting okra plant. This disease is transmitted by wildfly Bemisia tabaci. Question number 58. Dense webbing of rice grain in storage result due to Rice moth larvae contaminate food by producing large amount of storage. वेबिंग एंड फ्रेश तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज राइस मोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन बीज बैग कंटेन बीज बैग्स इज अ ट्रू वैक्स कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट एट्टी परसेंट ऑफ माइरिसाइल साइल विच उसका फॉर्मूला होता है सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डबल ओ सी थर्टी एच सिक्सटी वन एंड इट ऑल्सो कंटेन फिफ्टी परसेंट ऑफ फ्री सीरोटिक एसिड उसका फार्मूला होता है सी ट्वेंटी सिक्स एच फिफ्टी थ्री सी डबल ओ एच तो बी एक्स कंटेन मायरिसल पार्मिटेड एंड सीरोटिक एसिड तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज मायरिसाइल पामिटेड उसका फार्मूला है सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डबल ओ सी थर्टी एच सिक्सटी वन एंड सीरो सीरोटिक एसिड का फॉर्मूला है सी ट्वेंटी सिक्स एच फिफ्टी थ्री सी डबल ओ एच क्वेश्चन नंबर एंड एक्टिव पेरोसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन इंडिया एपीरिकेनिया मेलेनोलियोका एक्सटर्नल पेरिसाइड ऑन शुगर कैन लीफ होपर पायरिला परफ्यूजीला वॉकर एंड वेरी इफेक्टिव इन सर्टन सिचुएशन ऑप्शन नंबर टू दैट इज शुगर कैन पायरिला क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इन विच मैथड ऑफ प्लांटिंग मैक्मम नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया कैन भी एकमोडेट देखिए ले आउट सिस्टम दो टाइप का होता है ठीक है एक होता है वर्टिकल रो प्लान्ट और दूसरा होता है अल्टरनेट रो प्लांटिंग देखिए वर्टिकल रो प्लांटिंग में दो आते हैं सबसे पहले आता है स्क्वेयर प्लांटिंग और दूसरा आता है रेक्टेंगल प्लांटिंग और अल्टरनेट रो में चार टाइप से होते हैं अल्टरनेट रो सबसे पहले होता है हेक्सागोनल प्लांटिंग दूसरा आता है डायगोनल और क्विनक्विक्स प्लांटिंग ठीक है थर्ड इज ट्राइंगुलर प्लांटिंग फोर्थ इज कंटूर प्लांटिंग देखिए फर्स्ट इज वर्टिक वर्टिकल रो प्लांटिंग अगर हम स्क्वेयर के फॉर्म में प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वेयर प्लांटिंग अगर हम रेक्टेंगल के फॉर्म में उसे प्लांट करते हैं ट्रीज़ को तो हम कहते हैं उसको रेक्टेंगुलर प्लांटिंग अब हम डिस्क, डिस्कस करते हैं अल्टरनेट रो प्लांटिंग सबसे पहले आता है उसमें हेक्सागोनल। इन दिस मेथड ट्रीज आर प्लांटेड इन ईच कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस वे सिक्स ट्री फॉर्म हेक्सागोन एंड सेवन ट्री इन सेंटर दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेप्ट सेकेंड इज डायगोनल और क्विनक्विक्स दिस इज स्क्वेयर मैथर्ड बट विद वन मोर प्लांट इन देंटर ऑफ द स्क्वेयर दिस विलोमोडेट डबल द नंबर ऑफ प्लांट बट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल स्पेसिंग अब थर्ड इज ट्राइंगुलर प्लांटिंग अगर हम उसको ट्राइंगल के फॉर्म में प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लांटिंग लास्ट वन इज कंटूर प्लांटिंग इट इज जनरली फॉलोड ऑन द हील्स वेयर द प्लांट्स आर प्लांटेड अलॉन्ग द कंटूर अक्रॉस द स्लो ठीक है तो इसका हमारे क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ प्लांटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया कैन बी एकोमोडेट उसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज हेक्सागोनल जो किसका पार्ट है अल्टरनेट रो प्लांटिंग का जिसको अपन सेप्ट्यूल भी कहते हैं हेक्सागोनल रो प्लांटिंग को हम सेप्ट्यूल भी कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन question number 46 a soil is low in available nitrogen if the soil organic carbon in the range of and its answer is option number 1 that is less than 0.5 percent question number 47 in urea nitrogen is present in which form urea contain nitrogen in the form of amide but therefore this form of nitrogen is swiftly converted by soil microorganism into ammonical form and then into nitrate form. Urea contain forty-six percent elemental nitrogen. I repeat urea contain forty-six percent elemental nitrogen. Its answer is option number third, that is amide. Question number 48: The critical level of nutrient concept was given by, and its answer is option number two, that is Kate and Nelson. Question number 49 pairs of antennae are present in and its answer is option number two that is crustacea crustacean are the only arthropods that have two pairs of antennae they have life cycle that goes through metamorphosis question number fifty number of segment present in insect head is and its answer is option number third that is six Insect head consists of six segments that are fused to form a head capsule. The insect head consists of mouth part, compound eye, simple eyes and single pair of antennae. Now question number fifty one Silver shoot in rice produced by gall meets is a modification of Abdicti the larva of the Asian rice gall midge or Ori orioelia irritates the tissue of rice plant, which form gall and commonly known as silver shoot or onion shoot. Question: amara silver shoot in rice produced by gall midge is a modification of leaf sheath. Option number one. Next question: Question number fifty two. Egg of mango mealy bugs are laid in. मैंगो मिलीबक का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसीजा मैग्नीफेरा आई रिपीट मैंगो मिलीबक का साइंटिफिक नेम है ड्रोसीजा मैग्नीफेरा फैमिली है मैरगोरी डीडी मार्गोरी डीडी इसकी फैमिली है मैरगोरी डीडी एंड उसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा ठीक है इसका नाम है ड्रोसीचेरा ड्रोसीचा मैंजिफेरा फैमिली है मार्गोरी डीडी और ऑर्डर है अब, इट इज़ अ पेस्ट ऑफ मैंगो क्रॉप इन एशिया दे लेड एग्स इन सॉइल इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन है एग ऑफ मैंगो बग आर लेड इन सॉइल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द नॉन काइटीनियस लेयर ऑफ इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट कंसिस्ट थ्री लेयर्स फर्स्ट इज क्यूटिकल सेकेंड इज एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्रेन फर्स्ट इज क्यूटिकल थर्ड इज epidermis एंड लास्ट वन इज बेसमेंट membrane. क्यूटिकल इज also डि डिडेड इन टू पार्ट दैट इज इपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल इपी में काइटीन एबसेंट होता है और प्रोक्यूटिकल में काइटीन प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल को फिर अलग हमने चार पार्ट में डिवाइड करा है दैट इज सीमेंट लेयर वैक्स लेयर पॉलिथिनॉल लेयर और क्यूटिकुलिन इसमें जो वैक्स लेयर होती है वो वाटर रह, प्रूफ रहती है जो पॉलिफिन लेयर रहती है वो एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंट होती है और जो क्यूटिक्यूलिन होती है वो ग्रोथ बेरियर का, का काम करती है उसके बाद प्रोक्यूटिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है दैट इज़ एक्जोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल एक्जोक्यूटिकल मेनली काइटीन से बनी रहती है और उसमें स्क्लेरोटीन भी होता है एंडोक्यूटिकल जो रहती है उसमें काइटीन रहता है और स्क्लेरोटीन एबसेंट होता है फिर सेकेंड बात करते हैं हम एपिडर्मिस की एपिडर्मिस सिक्रिट्स मोल्टिंग फ्लूड थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन ऑफ ओल्डल इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग तो अब हमारा क्वेश्चन है द नॉन काइटीनियस लेयर ऑफ इंसेक्ट एंटीक्यूमेंट इंसेक्� इज एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज एपिक्यूटिकल Question number fifty four in cyclorophagus dipteran, the fusion of carpora cardiaca, carpora alata, and prothoracic gland is referred as and its answer is option number third that is Weisman's ring. In diptera species, the corpus allatum is fused with corpus cardiacum, forming a ring gland also known as weissmann ring. ठीक है ये तो हमने बात करी कौन से किसकी बात करी हम ये डिप्टेरा स्पीशीज की बात करी डिप्टेरेंस की बात करी इन लेपिडोप्टेरा स्पीशीज द कॉर्पस एलेटम एक्ट एज रिलीज साइट फॉर प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हॉर्मोन आई रिपीट इन लेपिडोप्टेरा स्पीशीज द कॉर्पस एलेटम एक्ट एज रिलीज साइट फॉर प्रोथेरासिकोट्रॉपिक हारमोन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव Vesiform orifice is a characteristic feature of the honeydew excreting organ. Vesiform orifice characteristic feature of LeroDD family. That is option number two, Elirodidi family. Question number fifty-six. Universal antidote is the mixture of activated charcoal, tannic acid, magnesium oxide in the ratio of antidote are agents that negate the effect of poison. It consists of two parts of activated charcoal, one part of tannic acid and one part of magnesium oxide. Its answer is option number 1 that is 2 is to 1. 2 is two 1 is to 1. Question number 57. Sorry question number 62. Mango variety which is suitable for high density planting. Mango is normally planted at 7 to 10 meter. ठीक है मैंगो का डिस्टेंस होता है उसमें सेवेंटू टू टेन मीटर आईदर वे हाउ एवर अंडर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इट वेरीज बिटवीन फाइव इंटू फाइव मीटर एंड सिक्स इंटू सिक्स मीटर इन दिस आम्रपली नॉर्थ इंडियन वेराइटी सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री जेली इन विच फ्रूट पील्स रिमेन सस्पेंडेड इन कॉल्ड एज And its answer is option number third, that is marmalade. This is a fruit jelly in which slice of fruit or its peel are suspended. The term is generally used for product made from citrus fruit like oranges and lemon, in which shredder peel is used as, as suspended material. Question number sixty-four. Buttoning is the problem in which of the following crop? And its answer is option number. Second, that is cauliflower. The development of small premature curds or buttons while the plant are young is known as buttoning. Question number 65 Most economic method of irrigation in orchard under water scales, city condition is and its answer is option number 2 that is drip system. Question number 66 Winter banana is a variety of विंटर बनाना इज एन एप्पल कल्टीवर विद हाई क्वालिटी फ्रूट यूज फॉर फ्रेश इटिंग द फ्रूट इज लार्ज विथ स्मूथ येलो स्किन ओके विंटर बनाना एक एप्पल वेराइटी है उसमें जो नॉर्मली जो एप्पल रहता है वो रेड उसकी स्किन होती है पर विंटर बनाना एप्पल में उसकी स्किन येलो कलर की होती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन वेयर डज इंडिया रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन द वर्ल्ड इंडिया रैंक सेकेंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना मतलब फर्स्ट पे चाइना आता है और सेकेंड पे इंडिया आता है ओके एज पर नैशनल हॉर्टीकल्चर डेटाबेस पब्लिश बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ड्यूरिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन इंडिया प्रोड्यूस नाइन्टी पॉइंट टू मिलियन टन फ्रूट ठीक है नाइन दो हज़ार के अकॉर्डिंग इंडिया में 19.2 मिलियन फ्रूट प्रोड्यूस किए गए एंड 169.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज सेकेंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वीकेस्ट मैथड ऑफ स्टेब्लिशिंग अ लॉ हम चार मैथड से लॉ लौ को लॉन को जो इस्टेब्लिश कर सकते हैं फर्स्ट है बाय सीड सेकेंड बाय डीबिंग, थर्ड इज़ बाय टर्फिंग फोर्थ इज़ बाय टर्फ प्लास्टरिंग जो सीड कर जिसमें हम बाई सीट से करते हैं द मोस्ट सूटेबल ग्रास फॉर सीडिंग इज धूप ग्रास दैट इज साइनोडोन डेक्टाइलोन बाई डिबिंग जो होती है डिबिंग जो होती है बेस्ट मेथड होती है लॉन स्टेब्लिशमेंट के लिए और जो टर्फिंग होती है वो क्विकेस्ट मेथड होती है लॉन प्रिपरेशन के लिए हमसे यहाँ पूछा है क्विकेस्ट मेथड तो उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अगर बेस्ट मेथड पूछते हैं तो उसका आंसर जाता ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज डिबलिंग और अगर हमसे पूछते हैं कि सीडिंग में कौन से सीडिंग लगाते हैं कौन से स्यूटेबल रहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होते धूपग्रास दैट इज सड ऑन डेक्टॉलन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन एडिबल पार्ट ऑफ नोल नोल इज देखें नोल नोल को हम कोहल रबी टर्निप कैबेज जर्मन टर्निप भी कहते हैं सबसे पहले देखिए कैबेज में एडिबल पार्ट होता है लीफ कॉलीफ्लावर में एडिबल पार्ट होता है फ्लावर और जो हमारी नोल नोल या हम बोल सकते हैं कोल रबी जो होती है इसमें एडिबल पार्ट होता है स्टेम इस तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फ्रूट ऑफ पपाया इज़ बॉटनिकली नोन एज पोम का एग्जांपल है एप्पल ड्रूप का एग्जांपल है मैंगो हैस्पेरिडियम का एग्जांपल होता है ऑरेंज एंड बेरी का एग्जाम्पल होता है टोमेटो एंड पपाया तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर Question number 71. In AMLA, intervarietal plantation is done due to self incompatibility. Que option number third. Question number 72. Black heart is a physiological disorder of and its answer is option number four that is potato. Black heart of potato it is a disease caused by lack of oxygen or an excess of CO2 in the surrounding area. Question number 73 Tungro disease of rice is caused by? It is caused by virus. Option number 4. The disease complex is associated with rice tungro bacilliform virus and rice tungro spherical virus. Rice tungro bacilliform virus cannot be transmitted by leafhoppers unless rice tungro spherical virus is present. Next question, question number 74 button mushroom belongs to the genus agaricus option number 2 question number 75 meristem tip culture is followed for elimination of virus question, option number 3 question number 76 which of the following disease occur due to deficiency of zinc and its answer is option number 3 that is khaira disease of rice question number 77 powdery mildew of fungi belongs to order पाउडरी मिल ड्यू डिजीज और कॉज बाई मैनी डिफरेंट स्पीशीज इन द ऑर्डर राइजीफल्स ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट कस्क्यूटा स्पीसीज इज देखिए जो कस्क्यूटा होता है वो टोटल स्टेम पेरासाइट होता है विस्कम एंड लॉरेंथस जो है वह पार्शियल स्टमपेरा स्टेम पेरासाइट है बेलेनोफोरा एंड ओरोबेंकी जो होता है वो टोटल रूट पैरसाइट है कौन है बेलेनोफोरा एंड औरबेंकी ठीक है स्ट्राइगर जो होता है वो क्या होता है पार्शल रूट पेरासाइड न क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच डिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बेंगल फेमाइन इन नाइनटीन फोर्टी टू फोर्टी थ्री ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कॉज बाय हेलीमोन्थोसपोरियम और वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट बेंगल फेमाइन इन नाइनटीन फोर्टी टू फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर एट्टी जेनेटिक मटेरियल इन टोबेको मोजिक वायरस इज एंड टोबेको मोजिक वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रेन आर एन ए जीनो तो आज हमने बी एच यू एम एस सी एच टू थाउजेंड एटीन में हमने पार्ट सेकेंड डिस्कस किया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन से क्वेश्चन नंबर एट्टी तक डिस्कस किया हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर एट्टी वन से क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी तक डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आइकन दबाना ना भूले जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे थैंक यू